जी नमस्कार, और एक बार आए हैं हम लोग वाटर आईटीएम वेंडिंग मशीन को लेके। इस मशीन में कूलिंग वाटर के साथ आरएफआईडी मिला के टोटल एक सिस्टम दिखाया गया है। जैसे कि कोल्ड वाटर भी इधर से निकल के आएगा, इधर चाहे तो नॉर्मल वाटर भी निकल के आएगा। कोल्ड वाटर के लिए 2 रुपया और 5 रुपया इधर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और नॉर्मल वाटर के लिए 10 रुपया। चाहे तो आप कार्ड से यूज़ कीजिए, चाहे तो आप कॉइन से यूज़ कीजिए। चलिए अभी मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का डालो इसके अंदर, और बोतल पकड़ के रखो। 2 रुपया का बड़ा वाला सिक्का डाल दिया अंदर में। अभी पानी चालू हो गया, 1 लीटर पानी निकल के आएगा इधर। 1 लीटर नॉर्मल वाटर के लिए लिखा है, तो इधर जितना देरी में, ज़्यादा देरी तक नहीं लगता है, ओनली 30 सेकेंड्स के अंदर ही आपका 1 लीटर पानी निकल के आएगी, एकदम कोल्ड एकदम वाटर निकल के आएगा। चलिए अभी 20 लीटर का जार का पानी भरते हैं। 20 लीटर जार का पानी डाल दो इधर, रख दो। और अभी कार्ड से हम लोग करेंगे। ये RFID स्मार्ट कार्ड है BM मोटर का, उधर टच करो। टच करते वक्त घुमा के टच करो। अभी लिखा आ गया है, ये बैलेंस भी दिखा देगा। बैलेंस ₹30 है। प्रेस स्टार्ट बटन, अभी स्टार्ट बटन दबाओ। अगर स्टार्ट बटन दबा देंगे तो सेव नहीं हो गया, पहले ही उड़ गया है। और एक बार करके देखते हैं। बैलेंस 30, प्लीज स्टार्ट बटन। अभी स्टार्ट बटन दबा दिए हैं, अभी पानी चालू हो गया है। बहुत ज़ोर से पानी निकल के आता है इधर। करीबन 20 लीटर जार भरने के लिए आपको लगभग 20 सेकेंड्स के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एकदम कंप्लीट एक वाटर ATM वेंडिंग मशीन है। चाहे आप RFID कार्ड के साथ करिए, चाहे तो आप कॉइन के साथ लगाइए। इसी मशीन को लेके आप अपना जो RO प्लांट है इसके साथ आप लगा सकते हैं। इसी मशीन के अंदर ही चिलर लगा हुआ है, और एक पाइपलाइन निकल के दिया गया है। इसी पाइपलाइन से आपका जो फिल्टर वाटर टैंक है उसके साथ ये पाइपलाइन आपको जोड़ना है, और कुछ नहीं करना है, और बाकी सब ये मशीन ऑटोमेटिक चलते रहेगा। नमस्कार, BM इंटरप्राइज के तरफ से हम लोग है वाटर ATM वेंडिंग मशीन। थैंक यू।